जो है वो आएगी या मतलब उसमें जो शो करेगी ऑप्शन वन टू थ्री फोर में से कोई भी आपकी ठीक है तो ऑप्शन वन को देखते हैं द टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन इंक्रीजेस ठीक है तो अगर हम यहाँ पर अगर बात बोलें कार्बन फैमिली की बात बोलते हैं ठीक है थीके? कार्बन फैमिली की ही हमको बात भी करनी है तो कार्बन फैमिली में जो कार्बन आता है सिलिकॉन आता है ठीक है ये आपके आते हैं तो कार्बन फैमिली में अगर हम इन द कार्बन फैमिली द टेंडेंसी टू डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन ग्रुप ठीक है तो एटमिक नंबर इंक्रीजेस मतलब मूविंग डाउन ग्रुप ठीक है मूविंग डाउन ग्रुप ठीक है डाउन ग्रुप ठीक है तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट क्या है द टेंडेंसी टुवर्ड्स द टेंडेंसी टू वैटिनेशन टुअर्ड्स कैटिनेशन डिक्रीजेस ठीक है ये आपका डिक्रीज करता है टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन डिक्रीजेस ठीक है बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ एम एम बॉन्ड डिक्रीजेस ठीक है सो जो आपकी एमएम mm बाउंड की ठीक है जो स्ट्रेंथ है वो आपकी डाउन दी ग्रुप जो है डिक्रीज होने लगती ठीक है सो पहला जो ऑप्शन लिखा हो वो कैटिनेशन इंक्रीजेस लिखा है इसलिए जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा अब आते हैं ऑप्शन नंबर टू पर द टेंडेंसी टू शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ठीक है सो क्या होता है कि जो आपका uh, जो यहाँ पर इंक्रीज इन द एटमिक नंबर डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ठीक है सो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है शो करने की ठीक है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ठीक है क्या हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट ठीक है सो so, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज ठीक है सो मेटलिक कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है ऐसा लिखा गया तो मेटलिक कैरेक्टर्स ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप कार्बन इज स्ट्रिक्टली नॉन मेटलिक सिलीकॉन इजें इसेंशली नॉन मेटल मतलब यहाँ पर आपका uh, जो है इज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी जर्मेनियम इज अ सेमी मेटल विथ प्रोनाउंस्ड मेटलिक प्रॉपर्टीज ठीक है टिन एंड लेड आर ट्रूली मेटलिक ठीक है तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है नॉन मेटलिक हो जाएगा नॉन मेटलिक अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो ये जो है सेमी मेटल हो जाएगा और बात करें लेड और टिन की पीबी एन टन एस एन ये जो है ये मेटल है ठीक है तो मेटलिक कैरेक्टर जो है ये आपका इंक्रीज होता है डाउन ग्रुप ठीक है तो ये जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है ठीक है अब आते हैं चौथे नंबर द द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द कोवेलेंसी हाइयर देन फोर डिक्रीजेस ठीक है तो कार्बन एटम डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस एल ठीक है

कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है नहीं होगा और अदर जो है वो आपके उनमें डी ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो यहां टॉप टू बॉटम जाने पर टॉप टू बॉटम ठीक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस ठीक है सो so, यहां पर जो है ये लिखा हुआ है डिक्रीजेस सो so, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा इसलिए कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही निकला है वो ऑप्शन नंबर जो जो इस ट्रेंड को जो है टॉप टू बॉटम जाने पर फॉलो कर रहा है ठीक थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड कर व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर